टॉप 5 क्रेजी मिथ इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही खतरनाक और न्यू सीक्रेट मिथ है जिन्हें देखकर आपको सच में काफी ज्यादा मजा आने, बिकॉज गाइस मैंने आप सभी लोग के लिए एक से बढ़कर एक न्यू अपडेट वाले मिथ को खोजने का लिया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस आपके दिमाग में भी खतरनाक मिथ या ग्लिचेस है तो उसे नीचे कमेंट कर देना, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करने वाला हूं। गाइस चलिए मिथ नंबर 1। तो मिथ नंबर 1 में सबसे पहले आप लोग को गोस्ट राइडर बाइक स्पॉन करने है ट्रिपल सॉरी गाइस 4 टाइम्स 5 डायल करने से, डबल 5 डायल करने से आप लोग गेम के अंदर गोस्ट राइडर बाइक देखने को मिल जाएगा। देन गाइस आप लोग को गोस्ट राइडर बाइक के पीछे आके आपको आपस एक डायल करना है चीट कोड, तो आपको डायल करना है 1215 डायल करना है, ये सुपर जंप का चीट कोड है गाइस। तो आपको सिंपली आप गोस्ट राइडर बाइक के पीछे वाले व्हील के पास आके आपको यहाँ पर जंप लगा देना है गाइस। जैसे आप लोग जंप लगाओगे गाइस आपके साथ एक मैजिक होने वाला गाइस, बूम गाइस देख सकते हो आप लोग कितना दूर आ चुके हो भाई, एकदम रॉकेट की स्पीड में गाइस लिटरली देख सकते हो, एकदम बिजली की स्पीड में यहाँ पास पहुँच चुके हो। एंड गाइस मैं चलो आपको दोबारा करके दिखा दूँ, आप लोगों को टायर में सीधा सुपर जंप लगा देना है। जैसे आप लोग टायर के ऊपर में सुपर जंप लगाओगे आपके साथ ये मैजिक हो जाएगा। एंड चलो मैं आपको दोबारा करके दिखा दूँ, तो देख सकते हो गाइस ऐसे आके आप लोग को व्हील के पास आके खड़ा हो जाना है, जब पीछे वाले व्हील के पास से या फिर आगे वाले कोई भी एक में। एंड जैसे आप लोग जंप लगा के नीचे आओ तो गाइस देख सकते हो गाइस बूम क्या ही क्रेजी सीन हो चुका है गाइस, इससे आप लोग जरूर ट्राई करना। एंड चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिथ की ओर गाइस, मिथ नंबर 2। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को फ्रंट ट्रैक के पास आ जाना है, देन आपको एक चीट कोड डायल करना है 9129 इन्फिनिटी हेल्थ कोड एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आप लोग ट्रेन को ऑन करके फॉरवर्ड कर लेना है, तो आप लोग उसके बाद 9129 इन्फिनिटी हेल्थ कोड लगाना है। उसके बाद जैसे आप लोग के पास ट्रेन आएगा गाइस आपके साथ एक मैजिक होने वाला है, बूम गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पास रॉकेट की तरह भाई सुपरमैन की तरह देख सकते हो कितना दूर आप लोग को फेंक दिया भाई अपना जो ट्रेन है। एंड ये काफ़ी दूर तक ले जाने वाला है गाइस, हम लोग को ऐसा लग रहा है भाई देख सकते हो हम लोग पूरा मैप से बाहर हो जाएंगे ऐसा लग रहा है, बट हम लोग मैप से बाहर नहीं हो जाएंगे गाइस क्योंकि देख सकते हो उतना भी स्पीड नहीं है यहाँ पास। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं देखते हैं, हम लोग गाइस देख सकते हैं बस बीच में आके यहाँ पास लैंड कर दिए हैं। एंड ओ भाई ये कहाँ ले जा रहा है भाई, लिटरली ये भाई अंदर ले गया भाई समुद्र के अंदर में भाई, जी क्या ही कर दिया भाई लिटरली, मुझे यहाँ तक आने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ नंबर 3। तो मिथ नंबर 3 के लिए सबसे पहले आपको वेलोसिराप्टर स्पॉन करना है 5050 उसका चीट कोड है। तो जैसे 5050 डायल करने के बाद आप लोग को वेलोसिराप्टर के सामने आके एक और चीट कोड एक्टिवेट करना है गाइस, 3880 डायल करके आप लोग को हैमर कार का चीट कोड है वो एक्टिवेट कर लेना है। देन गाइस आप लोग को दोनों में का बटन एक साथ प्रेस कर देना है, हैमर कार का एंड वेलोसिराप्टर का। उसके बाद आपको दोबारा से एग्जिट करके फिर दोबारा एंटर करना है, उसके बाद गाइस होगा मैजिक। तो गाइस आप लोग को फिर दोबारा आके आ जाना है, उस बाद दोबारा जैसे एंटर करो गाइस बूम आप लोग टेलीपोर्ट होकर सीधा चलो जाओगे भाई वॉइड में, लिटरली काफ़ी क्रेजी सीन है गाइस, इसे आप लोग जरूर ट्राई करना। एंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगा गाइस, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलिए बढ़ते हैं मिथ नंबर 4। तो मिथ नंबर 4 के लिए गाइस सबसे पहले आप लोग को एक बाइक स्पॉन कर लेना है, मैं पास रॉयल एनफील्ड बुलेट स्पॉन करने वाला हूँ, 9999 डायल करने से आप लोग को गेम के अंदर रॉयल एनफील्ड बुलेट स्पॉन हो जाएगा गाइस। आप लोग जैसे 9999 डायल करोगे उसके बाद आपके गेम के अंदर रॉयल एनफील्ड बुलेट स्पॉन हो जाएगा। उसके बाद गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पास 9129 इन्फिनिटी हेड कोड लगा लेना है, उसके बाद हमें एक और चीट कोड एक्टिवेट करना है यहाँ पास 1215 नहीं इसका आईफोन का चीट कोड डायल करना है 12120 गाइस। उसके बाद जैसे एक दोनों को बटन एक साथ प्रेस करना है इसका आईफोन का एंड एंटर का गाइस। उसके बाद देख सकते हो आपके साथ एक मैजिक हो चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो कितना ऊपर होकर आप लोग यहाँ पास बाइक को ड्राइव करने वाले हो गाइस, लिटरली आपका कैरेक्टर एक हवा में फ्लाई करने वाला है, बट हम लोग यहाँ पास बाइक को भी यहाँ पास चला सकते हैं गाइस। एंड ये काफ़ी क्रेजी सीन है, एंड हम लोग इस पुलिस स्टेशन के ऊपर वाला फ्लोर को भी देख सकते हैं गाइस। एंड चलो देखते हैं क्या हम लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर वाला फ्लोर को यहाँ पास देख सकते हैं गाइस, तो चलो लेट्स गो जल्दी से चलते हैं। एंड ये मिथ उसी ही ट्राई करने गाइस, इससे आप लोग जरूर ट्राई करना। एंड गाइस चलो देखते हैं क्या हम लोग ऊपर का फ्लोर देखने को मिलेगा गाइस, चलो देखते हैं लेट्स गो गाइस। तो भाई ऊपर का फ्लोर हम लोग इसे देख सकते हैं भाई, लिटरली ये मिथ तो वर्क करता है भाई लिटरली, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। एंड चलो एग्जिट करते हैं गाइस, देख सकते हो ऊपर से आ गया हम लोग का करेक्टर। एंड चलिए बर्थ मिथ नंबर 5। तो मिथ नंबर 5 के लिए गाइस सबसे पहले आप लोग को 320 डायल करके जेट पैक स्पॉन करने वाला कर लेना है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ इस गेम के अंदर एक न्यू सीक्रेट प्लेस गाइस। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूँ इस मिथ में हम लोग एक सीक्रेट प्लेस में आ चुके हैं, आप लोग को देख सकते हैं साइड में आपको लगाना है सीधा जेल के पीछे एंड पुलिस स्टेशन के पीछे, उसके बाद एग्जिट कर देना है भाई लिटरली, ये आपको पहली बार देखे होगा गाइस। देख सकते हो ये जो हमारा सीढ़ी है ना गाइस स्टेयर, उसके नीचे वाला ये हिस्सा है गाइस, ये भी एक सीक्रेट प्लेस है भाई लिटरली, इसे आपको पता था या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई ये सीक्रेट प्लेस मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भाई लिटरली, देख सकते हो आपस स्टेयर दिख रहा है, फर्स्ट स्टेयर एंड सेकेंड स्टेयर तो नहीं दिख रहा, ऊपर बंद है भाई इसलिए नहीं दिख पा रहा है। एंड भाई ये काफ़ी सीक्रेट। तो गाइस आज के टॉप 5 मिथ आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।